मैथ विज्ञान पापा आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आइए हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति जो क्लास टेंथ के लिए है। आज हम सबसे पहले पखवाड़े शुरू करेंगे 8.1। इसके पहले मैंने इसका दो बेसिक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को आप बनाने में आपको सुविधा हो। चलिए सबसे पहले देखते हैं कारण की त्रिभुज ABC में। मैं बेसिक वीडियो में ये भी बताया था कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर होता है उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल त्रिभुज का प्रयोग होता है। देखिए आपको सबसे पहले करा त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी आपको समकोण है। देखिए बी समकोण है ना, यानी 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है जो बी कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, जहां AB बराबर 24 cm और BC बराबर आपको दिया हुआ है 7 cm। तो करा निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित मतलब होता है जो नीचे लिखा गया है उसका आपको मान बताना। देखिए नीचे लिखा है साइन ए कमा कॉस ए, फिर दो नंबर में लिखा है साइन सी कॉस सी का मान निकालना। देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज देखिए, इसमें कह रहे हैं कि बीस समकोण त्रिभुज है, इसमें मतलब राइट एंगल त्रिभुज बनेगा। तो राइट एंगल त्रिभुज कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं राइट एंगल, ये आपको राइट एंगल हो गया। अब देखिए इसका नाम हमने A, B और C रख दिया। अब इसमें क्या होता है, जो आपको बी है वो 90 डिग्री है, लिखा ना समकोण है, समकोण का मतलब यह 90 डिग्री होता है। एक बात मैं आपको बता दूँ, जो भुजा आपको 90 डिग्री से ज्वाइंट होती है वो हमेशा लंब और आधार होती है, समझ बात में। और जो 90 के सामने होती है हमेशा वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है यानी कर्ण होता है। तो कह रहे देखिए जिसमें AB बराबर आपको 24 cm दिया है, ये आपको 24 cm दिया AB का मान, साथ में BC का वैल्यू बता रहा है आपको 7 cm दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताइए क्या आपको AC का वैल्यू पता है, पूछ रहा है कि साइन ए कॉस ए और इसके बाद साइन सी कॉस सी का मान। देखिए कहने का मतलब आपको देखिए राइट एंगल है, तो देखिए समकोण त्रिभुज में तीन ही चीज होता है, लंब कर्ण और आधार होता है। तो देखिए इसमें आपको नीचे नहीं, जो हमने बताया था जो कोण 90 डिग्री से ज्वाइंट होता है वो रेखा हमेशा लंब और आधार होती है, और जो 90 के सामने होता है वो क्या होता है, कर्ण। तो देखिए लंब आधार तो पता है यानी AB भी पता है और BC, क्या आपको AC पता नहीं, यानी AC निकालना होगा ना। सबसे पहले AC पता कर ली तभी आगे बनाइए। देखिए AC का मतलब आपको कर्ण नहीं पता है, कर्ण बराबर क्या होता है, हमने बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर किसके, आपने पाइथागोरस पर पढ़ा था ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा था, इसमें क्या होता है कर्ण का जो वर्ग होता है ना, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा कौन, यानी आपको लंब का वर्ग होता है आप प्लस आधार का वर्ग का योग के क्या होता है बराबर। देखिए लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के योग के क्या होता है बराबर, कौन कर्ण, किसके अनुसार, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है। अब इसमें देखिए आपको कर्ण का वैल्यू आपको नहीं दिया, यानी AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो AC का स्क्वायर आपको लंब करा, लंब आपको देखिए AB है, तो आपको तो AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आप कह रहा है कि BC, तो BC कौन है, ये ना है ना BC, आपको BC का स्क्वायर हो जाएगा आधार का वैल्यू। अब इसमें देखिए AC का मतलब यानी कर्ण का स्क्वायर आपको नहीं दिया, इसका निकालना है, तो अगर स्क्वायर को बराबर के बाहर भेजा जाए तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी AB का स्क्वायर हो जाएगा उसके प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अगर AC का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर AB का मान हमको पता है कितना सी है 24 cm, तो 24 का स्क्वायर, BC का वैल्यू भी पता है 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप 24 से 24 576 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 576 प्लस 749 हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, ऐड किए देखिए 9 × 6 = 15 7 आपको हो जाएगा 7 × 4 = 12 यानी आपको 625, यानी AC का वैल्यू आपको आ गया 25। आप कहिए सर रूट से बाहर निकलते तो प्लस माइनस दोनों में होता है, हाँ देखिए त्रिकोण में कभी भी लंबाई जो होती है ना हमेशा धनात्मक होती है, इसमें लंबाई जो हमेशा क्या होती है, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए AC का वैल्यू आपको 25 cm लगेगा। आप कोई पूछेगा क्यों क्यों ऋणात्मक लेंगे, क्योंकि लंबाई का वैल्यू हमेशा प्लस में देगा, AC का लंबाई चाहिए ना, तो AC का वैल्यू कितना लेंगे 25, यानी आपको AC का वैल्यू हो गया 25 cm, समझ बात को। अब आते हैं एक ही करके निकालते हैं, पहले कह रहा है कि हमको चाहिए, पहले कंडीशन में हमको चाहिए साइन और कॉस ए का मान, यानी देखिए इसमें देख रहे हैं ना इस वाला में थीटा तो समान, लेकिन इसके बाद दोनों में इसमें देखिए सी सी, यानी इसमें देख रहे हैं कि इसका थीटा का मान बदल बदल कर पूछा हुआ है, इसके मतलब ये होता है कि इसमें आपको जब थीटा का मान बदल रहा है तो लंब और आधार भी बदल रहा है, जबकि कर्ण नहीं बदलता, हमने बेसिक वीडियो में बताया था आपको। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमको साइन ए चाहिए, तो साइन ए अब देखिए लंब आधार कर्ण के रूप में है, तो लंब आधार कर्ण के रूप में आपको साइन ए का मान क्या होता है, तब देखिए साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा एच होता है ना, तब देखिए तो कह रहे कि साइन जो खड़ा है ना वो किसके ऊपर खड़ा है इस बार, देखिए तो साइन किसके ऊपर खड़ा है ए के बाद, यानी साइन इस पे खड़ा है इसके पास,
साइन ए यहाँ पर खड़ा है ना। हमने बताया था कि लंब क्या होता है, जो जिस कोण के साथ बैठा रहता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वह उसका क्या होता है, लंब होता है। और साइन ए के पास बैठा है तो इसका सामने वाला भुजा जो दिखेगा वो सबसे पहले इसका क्या होगा, लंब होगा। कह देना, और साइन ए के पास बैठा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब कौन होगा, सात। यानी लंब का वैल्यू अगर आपको सात हो गया तो कोण तो बदलता ही नहीं है, यानी हाइपोटेनस एसी कोण यही कोण है, कोण हमेशा बड़ा भुजा होता है। तो कोण कितना दिया, 25 दिया, हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कॉस ए, यानी इस बार कह रहा है कॉस भी बैठा है किसके पास, कोण ए के पास बैठा, ठीक है ना। कॉस भी कहाँ बैठा है, आपको कोण ए के पास। अब कॉस आपको ए के पास बैठा है तो ये भी तो सामने वाला भुजा इसका लंब कौन बनेगा, आपको एक सर बी सी वाला रहेगा। तो इसमें तो आपको लंब चाहिए, कॉस ए बराबर आपको होता है बी बाई एच होता है, क्योंकि आपको आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है ना, कॉस ए का लंब कर्ण आधार के रूप में फॉर्मूला। अब यानी कॉस किसके पास बैठा है, ए के पास बैठा है, और सामने वाला भुजा अगर इसका लंब है सात तो इसका आधार कोण, क्योंकि हमको बी चाहिए था तो आधार कोण बनेगा, तब सर 24 बनेगा। तो देखिए जब लंब यह बना तो आधार कोण बचा 24, कोण तो बदलवे नहीं करता है, यानी इस बार 24 आपको 24 बटा कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 25, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम चाहिए दो नंबर का, देखिए दो नंबर में आपसे पूछा है पहले साइन सी, देखिए तो इसका भी वही लंब और आधार कोण में वही फॉर्मूला होता है, पी बाई एच ही होता है, लेकिन इस बार साइन जो बैठा है ना वो सी के पास, यानी यहाँ पर बैठा है इसके पास। अब बताइए जब यहाँ पर बैठेगा तो इसका सामने भुजा कौन दिखाई देगा, इसका सामने भुजा दिखाई देगा कौन, आपको ए बी वाला लाइन दिखाई देगा। जब सामने वाला भुजा ए बी दिखाई दे रहा है इसका मतलब सी के सामने अगर ए बी दिखाई दे रहा है इसका मतलब साइन का लंब कौन होगा, ए बी वाला लाइन होगा, यानी 24 लंब होगा। तो इसके बाद इसमें हो जाएगा 24, कॉल कौन होगा तो 25 हो जाएगा, क्योंकि कॉल तो बदल में नहीं करता, जो जिसके सामने दिखता है ना वही उसका लंब कहलाता है। अब उसके बाद आ रहा है देखिए दूसरा में पूछा है कॉस सी, यानी इस बार फिर कॉस उठकर आ गया किसके पास, कॉस उठकर आ गया आपको सी के पास आ गया, किसके पास आ गया, सी के पास। अब बताइए जब कॉस सी के पास आया है इसके भी सामने वाला भुजा लंब कौन बनेगा, तो आपका ये सर ए बी बनेगा। अब बताइए जब इसका ए बी लंब है तो इसका आधार कौन बनेगा, जब कॉस यहाँ पर बैठा सामने वाला भुजा अगर लंब यह बनता है तो इसका आधार कौन बनेगा, तो कहीं सब लंब जब यह है 24 तो आधार एक ही कौन बचा, सात, क्योंकि कॉल तो बदल में नहीं करता है, तो सामने वाला भुजा लंब तो इसमें तो हमको आधार बट्टा क्या चाहिए, आधार बट्टा कौन आपको कर्ण चाहिए ना, तो कॉस यहाँ पर है तो सामने वाला भुजा लंब यह तो आधार कौन बना, तो आपको एक सर बी सी बना सात, तो सात रख दीजिए, और कॉल हमारा वैल्यू कितना दिया है 25, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए हम लोग दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन बनाते हैं जो बहुत सिंपल और इजली है। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना वो आपको एक चित्र दिया हुआ पहले से, ठीक है, उसके बाद देखिए हम आपको क्वेश्चन को लिख देते हैं। अच्छा आपको देखिए स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आप स्क्रीन को देखिएगा तो आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है देखिए परसवा कह रहा है कि 8.13 में आप 10A का मान और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको एक चित्र दिया हुआ है 8.13 में, चित्र जो 8.13 में आपको जो चित्र दिया है वो ऐसे दिया है, ऐसे दे दिया है। इसमें आपको इसका नाम कर दिया आपको पी क्यू आर दिया है, ठीक है, जबकि आपको इसमें वैल्यू दिया है, कह रहा है कि आपको पी क्यू का वैल्यू आपको इसमें 12 cm दिया हुआ है और उसके बाद आपको पी आर का वैल्यू आपको 13 cm दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमको 10A और cot R का मान आपको बताना क्या होगा, आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसमें आपको कह रहा है कि यहाँ पर cot A दिया है, ठीक है, कह रहा है कि आपको चाहिए क्या, तो कह रहा है कि cot P यानी cot P पूछा है, cot P और cot R पूछा है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 10P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले सिंपल बात यह है इसमें भी थीटा का मान बदल रहा है ना, देखिए कभी पी पूछा है कभी आर पूछा है, इसका मतलब थीटा का मान बदल पूछा है। तो देखिए ध्यान दीजिए बात को, इसमें हमारा देखिए आप देख सकते हैं यह 90 से ज्वाइंट आपको दिया हुआ चित्र में, तो देखिए यह जब जो 90 से ज्वाइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, लंब और आधार होता है, और 90 के जो सामने होता है वो क्या होता है, कर्ण। तो आप कहेंगे ना इस बार कि सर इस बार तो कर्ण का वैल्यू दिया है ना, ये आपको लंब का वैल्यू यानी आपको क्यू आर का वैल्यू नहीं, तो फिर यहाँ पर हम जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे दिया हुआ है, हम जानते हैं इस बार हम कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज पी क्यू आर है वो एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसमें आपको क्यू इक्वल टू दिया हुआ कितना 90 डिग्री। इस प्रकार पाइथा
गोरस परमेश्वर। पाइथागोरस पर में क्या लगेगा, इसमें क्या होता है देखिए, इस बार हमको निकालना है पाइथागोरस पर में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो हम देखिए इस बार हमको क्यू आर का वैल्यू चाहिए, यानी अब तो क्या होता है क्यू आर मतलब बेस है ना, तो बेस बराबर क्या होता है बी बराबर होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो वही लगा दीजिए, यानी क्यू क्यू आर का स्क्वायर बराबर होता है आपको हो जाएगा क्या होता है क्यू आर स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी आपको आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आप आधार बराबर क्यों निकालते हैं तो आप स्क्वायर को बराबर के बाहर भेज दीजिए, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए क्यू आर का अगर वैल्यू चाहिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, पी आर का वैल्यू दिया है कितना, पी आर का वैल्यू आपको 13 cm दिया है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू दिया आपको 12 cm, तो 12 cm का स्क्वायर कितना निकल जाएगा आपको सर 13 है तो 169 होता है ना, बराबर 144 होता है। आप इसको निकालिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपको आएगा 25, यानी क्यू का वैल्यू आपको हो जाएगा प्लस माइनस 5। तो इसमें भी जानते हैं कि कभी भी लंबाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू कितना लेंगे तो आपको ये सर 5 cm लेंगे, यानी आपको क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया 5 cm। सिर्फ बात करो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकला हुआ है, जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय तभी लगता है जब उसका ये कोण 90 डिग्री का हो। अब आता है कि सर इसमें तो हमको चाहिए 10 फी माइनस कॉट आर का मान क्या, फिर का ये हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, हमको चाहिए 10 फी माइनस कॉट आर का वैल्यू। तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे हम जानते हैं 10 फी यानी कहने के बाद इसमें थीटा पी बना हुआ है। तो देखिए इस बार हम कह सकते हैं 10 जो खड़ा है किसके पास खड़ा है, तो आपको ये सर 10 जो खड़ा है ना पी के पास खड़ा है। और 10 अब बताइए 10 का मान कितना होता है, 10 थीटा बराबर लंब आधार कर्ण के रूप में क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको सर इसका तो होता है पी बाई एच ना, यानी लंब बटा कर्ण होता है। देखिए अगर लंब बटा कर्ण होता है ना, ध्यान रखने बात को इसको ध्यान रखना है, इसका होता है पी बाई एच बी पी बाई बी होता है। अब माइनस कॉट का क्या होता है, तो कॉट कॉट का होता है आपको बी बाई पी होता है ना। तो देखिए सबसे पहले 10 का मान आपको थीटा के अनुसार रखेंगे, क्योंकि थीटा का मान इसमें बदल बदल कर दे रहा है। इस बार 10 का आंकड़ा तो आपको एक सर पी के ऊपर खड़ा, तो इसका सामने वाला भुजा कौन, तो आपको एक सर क्यू आर भुजा होगा, कि जो जिसके सामने रहता है वही उसका लंब कहलाता है, और सामने वाला भुजा लंब इतना क्यू आर बन रहा है, यानी क्यू आर का वैल्यू लंब का वैल्यू कितना दे रहा है 5। और बी का वैल्यू जब लंब यह तो कौन तो बदलवे नहीं करता, धार कौन बचा हमारा, कहिएगा सर 12 होगा माइनस तो माइनस। अब कह रहा है कॉट आर, कॉट आर का अब इस बार कॉट किसके पास बैठा है, आपके सर आर के पास बैठा है, और कॉट आर के पास बैठा है इसके सामने वाला भुजा लंब कौन होगा, तो आपके सर पी क्यू होगा ना। और सामने वाला भुजा लंब अगर आपको पी क्यू आपको कितना होगा, देखिए सामने वाला भुजा कौन होगा पी क्यू लंब होगा, जबकि कॉट बराबर होता है बी बाई पी यानी आधार बटा लंब। तो अगर कॉट यहाँ पर सामने वाला भुजा लंब यह बनता आधार, जब यह लंब है तो उस समय आधार कौन बनेगा, तो आपको ये सर 5 बनेगा, यानी आपको यहाँ पर 5। जबकि आपको जब लंब अगर आपको आधार 5 हो गया तो लंब कौन बचा, यही ना बचा 12, तो 12। अब बताइए दोनों का चिन्ह तो समान है ना, प्लस माइनस है घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी आपको इसका आंसर आएगा 0। और अच्छा हो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे त्रिकोणमिति के वीडियो सबसे पहली बार आपके पास पहुंचे। जय हिंद जय भारत।